नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बारिश के मौसम में हमें अपने पौधों की देखभाल कैसे करनी है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें बारिश के मौसम में करने होते हैं। यदि हम इन पौधों की सही से देखभाल नहीं करेंगे तो ये पौधे बारिश के मौसम में भी सूख जाएंगे। इसलिए मेरी बताई गई कुछ ज़रूरी बातों को यदि आप ध्यान में रख लोगे तो आपका कोई भी पौधा नहीं सूखेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको केवल 5 ज़रूरी काम बताने वाला हूँ। यदि आप मेरे बताए गए इन सब 5 कामों को ध्यान में रख लेते हो तो आपके ये पौधे हेल्दी बने रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बार बार बारिश होने की वजह से सबसे मेन समस्या ये रहती है कि गमलों में पानी भर जाता है, और यदि इसी प्रकार 3-4 दिनों तक ये पानी भरा रहा तो पौधों की स्टेम सूख सकती है। अब इस समय आप पौधों की मिट्टी भी चेंज कर सकते हैं और मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बना लें, और गमले का ड्रेनेज होल भी चेक करते रहें। बारिश के तुरंत बाद गमलों में भरे हुए पानी को आप खाली कर दीजिए। इस प्रकार देखिए, ये गमले में पानी भर जाता है तो आप इसको ऐसे खाली कर दीजिए। कई ऐसे पौधे होते हैं जिनकी स्टेम नाजुक होती है और उनकी स्टेम और पत्तों में पानी रहता है, इसलिए यदि इन पौधों में पानी जमा रहा तो ये पौधे ओवर वाटरिंग की वजह से सूख जाएंगे। कई दिनों तक गमलों में पानी खड़ा रहने से पौधों में फंगस और इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, इसलिए गमलों में पानी ना रहने दें। यदि गमले का ड्रेनेज होल ब्लॉक भी नहीं हुआ है तो भी आप गमले में जमा हुए पानी को तुरंत खाली कर दें। बारिश के तुरंत बाद आप ये काम ज़रूर करें। बारिश के पानी को आप स्टोर करके रख लीजिए और जब पौधों को ज़रूरत हो तो ही इसमें पानी दीजिए। ओवर वाटरिंग इन पौधों में ना होने दें। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने गमलों की लोकेशन को बार बार चेंज नहीं करना है। जब बारिश होती है तो हम गमलों को बाहर रख देते हैं, और जब अधिक धूप पड़ती है तो हम गमलों को अंदर रख देते हैं। इस प्रकार गमले की लोकेशन को बार बार चेंज ना करें। ऐसा करने से भी कई पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो सूखने लगते हैं। तीसरे नंबर पर हमें पौधों की लोकेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पौधे को कैसी जगह रखना है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट की आवश्यकता होती है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इंडोर ग्रो किए जाते हैं। इस प्रकार हमें पौधों का सिलेक्शन करके उसी हिसाब से उनकी लोकेशन रखनी है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही कम पानी डाला जाता है, और कुछ पौधे ओवर वाटरिंग को भी सहन कर लेते हैं, इसलिए पौधों के हिसाब से ही आप इनकी लोकेशन रखिए। बारिश के मौसम में हमें पौधों में पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, मगर फिर भी यदि 10-12 दिन तक बारिश ना हो तो इन पौधों में पानी देने की आवश्यकता हो तो पहले गमले की मिट्टी ज़रूर चेक कर लें। जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तो ही आप इन पौधों में पानी दीजिए। लगातार बारिश होने की वजह से पौधों में पानी की कमी तो नहीं रहती है, मगर इनमें सनलाइट नहीं मिल पाती है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनको अधिक सनलाइट की आवश्यकता होती है, और इनके पत्तों का कलर सनलाइट की वजह से ही निखर के आता है। यदि कई दिनों तक इनके पत्तों में सनलाइट नहीं गिरेगी तो इनके कलर फेड हो जाएंगे। इसलिए चौथा यही ज़रूरी काम है कि आप पौधों को सनलाइट प्रोवाइड कीजिए और आप इनको ब्राइट लोकेशन में रखिए। पांचवा सबसे ज़रूरी काम ये है कि बारिश के मौसम में आप पौधों के पत्तों और उनकी स्टेम को मिट्टी में टच ना होने दें। ऐसा होने से ये पत्ते और स्टेम गलने लगते हैं। लगातार बारिश होने की वजह से पौधों के गमलों में पानी भर जाता है और इनकी स्टेम झुक जाती है, और इसकी स्टेम जब पानी में पड़ी रहती है तो इस प्रकार गल जाती है। ये देखिए, मेरा गुलदावदी का पौधा, इसकी कई स्टेम गल गई हैं। ऐसा होने पर आप गमले का पानी खाली कर दें, और गमले के पौधे की जो भी स्टेम या पत्ता पानी के साथ टच होता है या मिट्टी के साथ टच होता है तो आप उसको अलग कर दें। अब बारिश के मौसम में ये काम सबसे ज़रूरी है। कोई भी हेल्दी पौधा हो यदि इस प्रकार की समस्या में रहेगा तो ये पौधा सूख सकता है। चाहे कितनी भी तेज़ बारिश होती रहे, यदि आप मेरी बताई गई इन 5 बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके ये सभी पौधे हेल्दी रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।